हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये सुबह सुबह का टाइम है मनाली का, तो मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ। तो डेली सुबह 10-15 मिनट तो टहली लेता हूँ। फ्रेश एयर है सुबह की, ताजगी है और खूबसूरत वातावरण भी है और नज़ारे भी बाहर के। और मनाली में धूप आ जाता है, माउंटेन पे सनलाइट दिखाई दे रहा है। तो अभी सुबह सुबह 6:30 का टाइम है, तो माउंटेन पे धूप आ गए हैं उस तरफ। और दूर भी जो दिखाई दे रहा है ऊंचे ऊंचे माउंटेन, उस पे है धूप। और इधर जो ऊंचा ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, एक ये पहाड़ है और दूसरा ये वाला पहाड़ है। तो मनाली टाउन क्या है, पहाड़ों के बीच घाटियों में बसा हुआ है। मनाली बोलो, कुल्लू बोलो, दोनों। इधर भी ऊपर ही पहाड़ है, इधर ही पहाड़ है। बीच में ब्यास नदी बहती है और उसी के अगल बगल, नदी के अगल बगल ही सिविलाइजेशन है, मतलब लोग बसे हुए हैं। तो धूप जब आती है पहाड़ के पीछे से सूरज उगता है, तो इस तरफ धूप आने में लगभग 9 बज जाते हैं और जो सामने वाले पहाड़ है उधर धूप जल्दी आ जाता है, उधर 1-1.5 घंटा पहले सनलाइट आ जाता है उस तरफ। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इधर धूप काफ़ी समय तक रहता है, उधर जल्दी छांव हो जाता है। पहाड़ों में तो ज़्यादा पार्क रहते नहीं है वॉक करने के लिए, जैसे बड़े शहरों में रहते हैं पार्क। तो इधर तो वो गांव के ऊपर में रहते हैं, तो थोड़ी पगडंडियाँ ही मिलेंगी वॉक करने के लिए। हाईवे पर जाएंगे तो गाड़ियाँ तो चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह का ये पगडंडी बना हुआ है और ऊपर खेत ही बोल लो, ये सेब के पेड़ लगे हुए हैं। तो पहाड़ों पे तो ऐसे ही होते हैं खेत उत, नीचे भी घर मकान बने हुए हैं और उधर नीचे भी सेब लगे हुए हैं और सामने खूबसूरत माउंटेन का नज़ारा। तो इसी पे सुबह सुबह वॉक करिए और फ्रेश एयर, ताजगी का आनंद लीजिए। अक्टूबर का महीना चल रहा है तो फिर ठंड स्टार्ट हो गई है मनाली में, अच्छी खासी सुबह वाली ठंड। जब तक धूप नहीं निकले तो अच्छी खासी ठंड है, मतलब सुबह ही कल रहे तो जैकेट वैकेट पहनना ही पड़ेगा, नीचे भी इनर उनर सॉक्स वॉक्स पहनने पड़ेंगे। और शाम को भी धूप ढलते ही 4 बजे शाम के बाद, जैसे ही धूप जाती है मान लीजिए ठंड वापस आ जाती है। पहाड़ पे बर्फबारी हो गई है, जितने पास है, रोहतांग पास है, बारालाचा पास है, तो पहाड़ पे बर्फ यदि गिर जाए तो फिर इधर ठंड आ जाती है, क्योंकि फिर जो हवा चलती है पहाड़ों से होके चलती है तो फिर ठंडी ठंडी हवा इधर आने लगती है। तो दिल्ली की तरफ तो वहाँ भी 10-15 दिन बाद धीरे धीरे ठंड पहुँच ही जाएगा, तो धीरे धीरे ठंड बढ़ जाएगी। और फिर मनाली टाउन में तो दिसंबर में बर्फबारी भी स्टार्ट हो जाती है, दिसंबर लास्ट में, और जनवरी फरवरी में भी बर्फबारी हो जाती है अच्छी खासी मनाली टाउन में ही। बाकी जगह तो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ तो जाना भी मुश्किल है यदि ज़्यादा बर्फबारी हो जाए तो। और ये पगडंडियों वाला रास्ता बिल्कुल इस तरह का है, ठीक है वॉक करने के लिए, वॉक किया जा सकता है, अच्छा है, ऊपर है नीचे है रास्ते, लेकिन फ्रेश है, सुबह सुबह की ताजगी और मन भी रिफ्रेश हो जाता है। मौसम तो अच्छा हो रखा है मनाली का, धूप खिली हुई है बिल्कुल, और खिड़की के विंडो से ही बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो मनाली में सब कुछ तो ठीक है, पानी भी यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फिर भी एक वाटर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल वाटर फिल्टर हो उससे काम चल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा वाटर फिल्टर का ज़रूरत नहीं है। और उसका जैसे मैंने ले रखा है ये टाटा स्वच्छ का वाटर फिल्टर, ये मैंने कार्ट्रिज मंगाया है, जो पुराना वाला
खत्म हो गया था तो नया वाला मंगाया है। 6,000 लीटर ये वाटर प्यूरीफाई कर सकता है और चलेगा, ये 1.5 साल तक चलेगा। 1.5 साल तक तो इस पे लिखा है कार्ट्रेज का लाइफ, तो 1.5 साल तक तो आराम से चलेगा। तो मनाली में होता क्या है कि जो पानी पीते हैं हम लोग, वो पानी रहता है नदी का पानी सीधे, तो उसमें कोई फिल्टर उल्टर नहीं करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, मतलब जो कंकड़ पत्थर हैं वो सब सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद उसे बस वाटर पंप कर देते हैं, कोई ब्लीचिंग व्लीचिंग ऐसा कुछ नहीं करते उसमें, तो नॉर्मल वाटर रहता है। लेकिन उसके लिए फिर आपको फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने सिंपल ही ले रखा है ये टाटा स्वच्छ का फिल्टर, तो इसमें एक ऊपर एक मेस लगा हुआ रहता है गंदगी को छानता है, और नीचे इसमें ये फिल्टर लगता है, तो पानी को फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है। और फिर इसे छानने के बाद भी फिर इसे गर्म करते हैं पानी को, और गर्म करके फिर ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद इसमें रखते हैं। ये मिल्टन का है 1.5 लीटर का, तो इसमें पानी गर्म का गर्म रहता है, ठंडा का ठंडा रहता है, जैसा बोल लो। तो ये तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग तो बाहर के हैं, यहाँ पहाड़ के तो नहीं, हिमाचल के, तो यहाँ के लोग तो बचपन से पानी पी रहे हैं यहाँ पहाड़ों का, तो उन्हें कुछ नहीं होता। हम लोग जैसे बाहर से आके यहाँ पर काफी दिनों से रह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो हम लोग भी ऐसे नॉर्मल पानी पी लेते थे, लेकिन उससे फिर थ्रॉट इन्फेक्शन होने लगा, गले में तबीयत ज्यादा खराब रहती थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि पानी उबाल के ही पीजिए, फिल्टर है इवन दो, उबालिए ठंडा करिए पीजिए, तो पानी सही रहेगा तो आपका सेहत भी ठीक रहेगा। उसके बाद से फिल्टर करने के बाद भी उसको उबालते हैं, उसके बाद ठंडा करके पीते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ काम बचा है कंप्यूटर में, काम वाला तो काम निपटा लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बेटी स्कूल से आ जाएगी, फिर काम करने नहीं देगी वो। फिर बेटी को स्कूल लेने आया हूँ, लेके जाता हूँ यहाँ से। मौसम तो बदल रहा है, बादल बादल हो गए हैं, धूप तो चली गई है और हवा भी चल रही है हल्की हल्की ठंडी ठंडी। चलो चलो बेटा चलो, बाइक उधर खड़ा, इधर देखो बाइक उधर खड़ा आगे, चलो धीरे धीरे चलो। मनाली में ठंड बढ़ गई है तो चाय पीने का मन हो रहा है, चाय बनाते हैं, और साथ ही साथ एक पोर्च एक सोच रहा हूँ, इसे पानी में बनाते हैं। यूट्यूब में एक मेथड मैंने देखा है, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसे सेक करके रख देना है, और फिर इसे स्लोली फोड़ के ये इस तरह से कटोरी में रख देना है। बेटा पोर्च केक बना रहे। हाँ बेटी पूछ रही है पोर्च केक क्या होता है। पोर्च केक है ना बेटा, अंडा, अंडा का बनता है, बॉयल एग खाती है ना, और आमलेट ऐसे बनता है पोर्च केक। पापा बनाएंगे, टेस्ट करके ट्राई करना, ठीक है? ओके, पहले पापा करेंगे, ठीक है। ये पानी गर्म हो गया है तो इसका फ्लेम बंद कर देना है, पानी गर्म रहना चाहिए, और इसे बिल्कुल धीमे से इसमें इसे डाल देना है, और इसे फिर कुछ मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये अंडा हल्का सा कॉगलेट हो गया है, कॉगलेट मतलब ये व्हाइट व्हाइट जो आ गया है। तो अब इसमें बर्नर को ऑन कर दे रहे हैं, धीमी आंच पे रखना है, और फिर इसे ढक देना है, ढक के फिर 3 मिनट तक पकाएंगे तो शायद पक जाना चाहिए। अब चाय बना लेते हैं। यहाँ तो ज्यादातर इंडक्शन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गैस का प्राइस तो काफी महंगा हो रखा है, और हिमाचल में बिजली सस्ता है, मतलब बिजली का रेट सस्ता है, तो इंडक्शन इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है,
यदि गैस से कंपेयर करेंगे तो। थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, खाली दूध दूध का तो चाय सही भी नहीं लगता, पानी मिलाना तो जरूरी है। ये गई थोड़ी चाय पत्ती, ये है एक चम्मच चीनी। अदरक का चाय में होना बहुत जरूरी है, थोड़ा अदरक हो तभी स्वाद अच्छा आता है, खासकर ठंड में अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। चाय बनके तैयार हो गया है तो इसे अब छान लेते हैं। तो चाय बनके लगभग रेडी हो गई है, इंडक्शन बंद करें पहले और ये चाय रेडी हो गई बनके। इधर देखते हैं पोर्च एक बांध बना कि नहीं बना, ट्राई करके। गैस चूल्हा तो बंद कर दिया है और ये इस तरह का कुछ दिख रहा है पोर्च एग, तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये प्लेट में निकाल लिया पोर्च एग को, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं ऊपर से, हल्का साल्ट। हल्का साल्ट तो अच्छा होगा स्वाद। अब कट करके देखते हैं इसको। और ये इस तरह का बन गया है पोर्च एग, ठीक ठाक बना है, ज्यादा बढ़िया तो नहीं है। खाना बेटा पोर्च एग इस तरह का बना है, ये अंदर येलो वाला भी है। येलो वाला पसंद है अनवी को, खाली व्हाइट वाला पसंद है, येलो वाला पसंद नहीं है। पापा अच्छा, पापा पहले ट्राई करेंगे, अच्छा लगेगा फिर अनवी ट्राई करेंगे, ठीक है? ठीक है, पहले तुम करो ट्राई। ओके ठीक, पोर्च एग ट्राई करके देखते हैं। बहुत पहले बनाया था एक बार, उसमें अच्छा नहीं बना था, तो अपन ये तो ज्यादा ऑमलेट और अंडा ही खा लेते हैं, पोर्च एग तो कभी कभी खाते हैं। ठीक ही बना है, और चाय भी अच्छा बना है, चाय के साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है खाने में ये।